हाय तो आज हम बात करेंगे विटामिन बी की बी फॉर बैट तो बी uh, का सुना जाता है या कहा जाता है एंड दिस इज़ द फैक्ट कि मोस्टली अगर आप विटामिन बी जो है वो चाहते हो तो आपको एनिमल सोर्सेस से ही मिलता है ऑर्गन मीट हो गया एंड आपका जितना भी नॉन uh, वेज है वहाँ से आपको विटामिन बी मिलता है बट वेजिटेरियंस जो हैं आपने देखा होगा उनमें मोस्टली आप आजकल की डेट में देखो तो विटामिन बी की बहुत सारी डिफिशेंसी आपको आसपास अपने मिलेगी लोगों में तो आप क्या कर सकते हो बीइंग अ वेजिटेरियन तो बीइंग अ वेजिटेरियन आप पहली बात तो ये है कि आप मिल्क मिल्क इज़ अ एनिमल जो है प्रोडक्ट सो so इसमें भी आपको विटामिन बी मिल सकता है एंड ऑल्सो योगर्ट या कर्ड इसमें भी आपको वो मिलेगा विटामिन बी मिल सकता है एंड अनदर थिंग इज़ कि अगर आप लेगीम्स एंड पल्सेस की बात करो तो लेगीम्स एंड पल्सेस में भी आपके विटामिन बी होता है ब्लैक बीन्स आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी वन देन आपके मशरूम्स के अंदर अच्छा होता है बी एवोकैडो में होता है आपका विटामिन बी एंड ऑल्सो अगर हम बात करें कि बनाना बनाना इज़ ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी एंड न्यूट्रिशनल ईस्ट आप ले सकते हो अपनी स्मूदीज में डाल के या किसी भी फॉर्म में आप न्यूट्रिशनल ईस्ट भी ले सकते हो देन ऑल्सो एक चीज़ और कि ये मेथड जो मैं आपको बता रही हूँ इस इस तरीके से भी आपका जो है विटामिन बी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो जब आप स्प्राउटिंग करते हो किसी चीज़ की फ़ॉर एग्जांपल अगर आप मूंग की दाल के स्प्राउट्स बनाते हो या मोट की दाल जो होती है उसकी स्प्राउटिंग करते हो तो ड्यूरिंग दैट स्प्राउटिंग प्रोसेस आल्सो विटामिन बी एंड सी जो है वो आपके पल्सिस के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है सो दैट वाज नंबर वन एंड नंबर टू इज़ कि जब आप किसी चीज़ को फर्मेंट करते हो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ आपके पर्टिकुलरली uh, अगर साउथ इंडियन फूड स्टफ़ की तो मोस्टली वो सारा फूड स्टफ़ जो होता है वो जैसे इडली बैटर हो गया देन आपका उत्तपम उपमा उत्तपम हो गया तो ऐसी सारी चीज़ें अपम वग़ैरह हो गया तो ये फर्मेंट करके बनाते हैं या कांजी वगैरह होगी तो आज मैं बताऊँगी कि रीज़न क्या है कि जब आप फर्मेंटेशन करते हो किसी फूड स्टफ़ की तो उसके अंदर विटामिन बी कैसेसाइज uh, हो जाता है अपने आप कैसे बन जाता है सो द थिंग इज़ कि जब भी आप किसी चीज़ को फर्मेंट करते हो जब भी जैसे कि ढोकला बनाने के लिए इडली बनाने के लिए तो जब हम बैटर को फर्मेंट करते हैं तो उसमें बैक्टीरियाज़ प्रोड्यूस होते हैं तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं कि जिस जो कि इनपल्स या लिग्यूम्स जिसको भी आपने फर्मेंट होने के लिए रखा है तो उसमें जो फाइबर होता है प्रेजेंट तो हमारी बॉडी में उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स नहीं होते हैं इनसॉल्युबल फाइबर को डाइजेस्ट करने के लिए सो जो इन इस फूड स्टफ़ में पर्टिकुलरली ये लेगीग्यूम्स बीन्स या फिर हम जो पील्स खाते हैं जो फ्रूट्स की पील होती है जैसे कि एप्पल पील होगी उसमें पैक्टिन होता है तो ये सारी चीज़ों में फ़ाइबर होता है जब भी हम फाइबर अपनी डाइट में लेते हैं तो फाइबर के ऊपर ये बैक्टीरियाज जो कि हमारे गट के अंदर है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर है हमारे गुड फ्रेंड्स की तरह हमारे अंदर रहते हैं हमारी डिजेशन में हेल्प करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ये एंजाइम्स नहीं होते हैं इसको डइजस्ट करने के लिए सो so ये हमारी हेल्प करते हैं इसको डजेस्ट करने में ये इन फाइबर्स को पर्टिकुलरली अगर हम मैं बात करूँ कि इनसॉल्यूबल फाइबर्स के ऊपर एक्ट करते हैं इसको मेटाबोलाइज करते हैं इसको ब्रेक डाउन करते हैं एंड ब्रेक डाउन करने के बाद एज अ बाय प्रोडक्ट एज अ यू नो अगर मैं बोलूँ कि इसको ब्रेक डाउन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें आपका विटामिन बी एंड अलॉन्ग विद बी आपका विटामिन अगर मैं बात करूँ कि विटामिन के तो विटामिन बी एंड के ये प्रोड्यूस करते हैं इन रिस्पॉन्स टू ब्रेक डाउन ऑफ द इनसोल्यूबल फाइबर तो ये आपकी बॉडी में इंटेस्टाइन में इसके सिंथेसिस करते हैं सो सिमिलर हैपन सिमिलर थिंग हैपन्स वेन यू फर्मेंट इन सब चीज़ों को चाहे वो राइस हो या आप ढोकला या इडली बैटर जब बनाते हो तो उसमें वो बैक्टीरियाज इनकॉर्पोरेट होते हैं वो बैक्टीरिया इन फाइबर के ऊपर एक्ट करते हैं एंड इसको मेटबोलाइज करके उसमें विटामिन बी एंड के इनकॉर्पोरेट करते हैं तो विटामिन बी जो है दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर योर नर्व हेल्थ फॉर यू नो आर बी सी सिंथिस आपके ब्लड सेल्स बनाने में हेल्प करता है एंड ऑल्सो अगर इफ़ समबडी इज़ यू नो ट्राइंग टू कंसीव अगर उसने वो उस प्लानिंग से कंसीव करना चाह रहे हैं कि हाँ वी आर प्लानिंग देन दे कैन यू नो स्टार्ट टेकिंग फॉलिक एसिड वो भी विटामिन बी का एक पार्ट है सो दे कैन हैव इट Uh, दो महीने पहले से ही लेना शुरू कर सकते हैं वैन दे प्ला दे वैन दे आर प्लानिंग टू हैव द बेबी तो ये उसको न्यूरोलॉजिकल जो डिफ़ेक्ट्स होते हैं बेबी को होने से बचाता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स वगैरह से एंड uh, कोई ऐसी इश्यूज नहीं होते अगर मदर जो है वो पहले से ही लेना शुरू कर दे सो so, ये है एक तो बात एंड नंबर टू ये है कि आपका जो डीएनए है उसका रिपेयर और उसकी हेल्थ के लिए भी आपका विटामिन बी जो है दैट इज़ रियली गुड आपके हेयर के लिए अच्छा है बिकॉज बायोटिन ऑल्सो बायोटिन जो है दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ विटामिन बी सो ये सारी चीज़ें आप अपनी डाइट में कर सकते हो मशरूम्स पेनिज एंड एवोकाडो आवो, हो गया टोफू नट्स सीड्स ब्लैक बीन्स लेग्यूम्स पल्सिस आपकी सारी होगी एंड पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ तो साउथ इंडियन कुज़ीन की सो दिस वे यू कैन इंकॉर्पोरेट विटामिन बी इन टू योर डाइट स्प्राउटिंग करो फर्मेंटेशन करो ढोकला खाओ इडलीज़ खाओ एंड uh, आप uh, ये जो स्प्राउट्स की बनी हुई चाट खाओ बट हाँ जस्ट मेक श्योर कि जब भी आप स्प्राउटिंग करो तो उसके बाद जो आपकी मूंग की दाल या जिसके भी आप स्प्राउट्स uh, बना रहे हो उसको हल्का सा स्टीम जरूर कर लेना क्योंकि स्टीमिंग करने से एक तो ये है कि जब आप इनकी स्प्राउटिंग प्रोसेस करते हो ना जब भी स्प्राउटिंग की प्रोसेस होती है तो होता क्या है कि इसमें थोड़े बहुत ना फंगस लगने के चांसेस होते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत आपने देखा होगा फाउल स्मेल थोड़ी सी ऐसी सी महक आती है सो वो होता है कि इसमें थोड़ा सा डिके हो जाते हैं ये एंड इसमें फंगस ग्रोथ हो जाती है तो आपका पेट खराब ना हो ब्लोटिंग का इशू ना हो एंड पर्टिकुलरली इफ यू आर वात पर्सन तो ऐसा कोई इशू ना हो तो रॉ तो आपको खाना ही नहीं है स्प्राउट्स हल्का सा स्टीम करो या उसको हल्का सा सौते कर सकते हो सो दैट वे यू कैन इनकॉर्पोरेट विटामिन बी इन योर डाइट सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडे स्न जाओ इडली ढोकले खाओ